नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं, अभी हाल ही में राजस्थान में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज का है। राजस्थान सूचना सहायक रिक्वायरमेंट 2023 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है, यानी जो उम्मीदवार राजस्थान में सूचना सहायक वैकेंसी 2023 के लिए वेट कर रहे थे उनके लिए एक अच्छी खबर है कि अभी हाल ही में RSMSSB द्वारा राजस्थान सूचना सहायक भर्ती का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। अगर बात करें इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो आपके टोटल 2730 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि राजस्थान सूचना सहायक का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, RSMSSB इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, राजस्थान इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का सिलेबस क्या रहेगा, राजस्थान सूचना सहायक की सैलरी क्या रहेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में राजस्थान सूचना सहायक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में जितने भी आपके डाउट बने हुए हैं वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है, RSMSSB इंफॉर्मेशन असिस्टेंट वैकेंसी 2023 का नोटिफिकेशन आपका भी जारी किया गया है। राजस्थान अधीनस्थ और मंत्री स्तरीय सेवा चयन बोर्ड यानी RSMSSB ने सूचना सहायक के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार RSMSSB के द्वारा सूचना सहायक के 2730 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 27 जनवरी 2023 से 25 फरवरी 2023 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से राजस्थान में राजस्थान सूचना सहायक भर्ती 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम RSMSSB इंफॉर्मेशन असिस्टेंट वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2023 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए TSP एरिया के लिए 195 पोस्ट है और नॉन TSP के लिए 1140 पोस्ट है। OBC कैटेगरी की अगर बात करें तो नॉन TSP के लिए 169 पोस्ट है, TSP एरिया में कोई पोस्ट नहीं है। EWS की अगर बात करें तो 241 पोस्ट और नॉन TSP एरिया में। SC कैटेगरी की अगर बात करें तो 15 पोस्ट है और TSP एरिया में और नॉन TSP में 300 पोस्ट है। अगर बात करें ST कैटेगरी के बारे में तो 31 पोस्ट टोटल है इसमें, वो आपके TSP एरिया में और 427 पोस्ट है वो नॉन TSP में। EBC की अगर बात करें तो 123 पोस्ट आपकी नॉन TSP एरिया में और शहरिया की अगर बात करें तो 4 पोस्ट आपकी नॉन TSP एरिया में। टोटल अगर बात करें तो TSP एरिया में 315 पोस्ट है और नॉन TSP में 2415 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो आपसे 2730 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता के बारे अगर बात करें तो उम्मीदवार के पास डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए या तो फिर कंप्यूटर में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर IT या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ में आपकी टाइपिंग स्पीड वो 20 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपकी 20 वर्ड पर मिनट आपकी क्या टाइपिंग होनी चाहिए और इसके अलावा आपका कोई एक इसमें क्या है डिग्री या फिर डिप्लोमा होना जरूरी है। चलिए बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 40 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं अपॉइंटेड डेट के बारे में। अपॉइंटेड डेट के बारे में अगर बात करें तो राजस्थान इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपका फॉर्म वो 27 जनवरी 2023 से भरना शुरू होगा। अगर बात करें RSMSSB इंफॉर्मेशन असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 25 फरवरी 2023 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। अगर बात करें राजस्थान सूचना सहायक के एग्जाम डेट के बारे में यानी परीक्षा तिथि के बारे में तो आपका एग्जाम वो जुलाई 2023 में होना बताया जा रहा है। अभी टेंटेटिव एग्जाम डेट आपकी बताइए कि आपका एग्जाम वो जुलाई 2023 तक आयोजित किया जा सकता है। चलिए बात कर ले एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए 450 रुपये फीस रखी गई है। नॉन क्रीमी लेयर ऑफ OBC BC कैंडिडेट के लिए आपकी 350 रुपये फीस लगेगी। SC ST BPL कैंडिडेट के लिए आपकी 250 रुपये आपकी फीस रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं
राजस्थान सूचना सहायक का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यानी आरएसएम एसएसबी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर अपन बात करें तो आपका इसमें सबसे पहले एक रिटन एग्जाम होगा, 100 अंकों का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। उसके बाद आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि 15-15 मिनट आपको समय दिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों का। इसके अलावा आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि राजस्थान सूचना सहायक का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, यानी आरएसएम एसएसबी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर कितने क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो इसमें आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या फिर कंप्यूटर संबंधित आपके 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 70 नंबर के। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, और जीके करंट अफेयर ऑफ इंडिया एंड राजस्थान के आपके क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। टोटल अगर बात करें तो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर आयोजित किया जाएगा। तो ये आपका हो गया एग्जाम पैटर्न। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी आरएसएम एसएसबी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट यानी सूचना सहायक का जो आपका पेपर आएगा उसके बारे में। पेपर के बारे में अगर अपन बात करें तो पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, प्रश्न पत्र अधिकतम 100 अंकों का होगा, प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे। पेपर को हल करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो सबसे बड़ी बात क्या, इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। तो आपको सबसे बड़ा ध्यान ये रखना है पेपर को हल करने के लिए आपको 3 घंटे, 3 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन है वो हल करने होंगे। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। अब बात करते हैं कि राजस्थान सूचना सहायक का आपका सिलेबस क्या रहेगा, यानी आरएसएम एसएसबी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट सिलेबस के बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें राजस्थान सूचना सहायक का सिलेबस की अगर बात करें तो इसमें डीआई आएगी सबसे ज्यादा। क्या आने वाला है इसमें, जो आपके टॉपिक आएंगे वो आएगी डीआई, डेटा सफिशियंसी, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन राजस्थान। इसके अलावा ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस एंड स्कैनर, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग यानी एमएस वर्ड, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एमएस एक्सेल, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यानी एमएस पावर पॉइंट, और डीबीएमएस सॉफ्टवेयर यानी एमए एक्सेस से संबंधित टॉपिक क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यानी डिजिटल वायरलेस एनालॉग नंबर सिस्टम, इसके अलावा डेसिमल बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल, इंट्रोडक्शन टू डेटा प्रोसेसिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल एंड इट्स टाइप, इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल, लैन मैन वैन और सर्च सर्विस इंजन, इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मैसेजिंग, वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर, वेब पब्लिशिंग, क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट, एचटीएमएल, इंटरेक्टिविटी टूल्स और मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक, वॉइसमेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स संबंधित आप क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो आपका टॉपिक रहेगा सिक्योरिटी प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरस एंड मैलिशियस अटैक, इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल एंड इट्स यूटिलिटी, बैकअप एंड रिस्टोरिंग डेटा, इसके अलावा जो एल्गोरिथम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज, प्रिंसिपल एंड प्रोग्रामिंग टेक्निक, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ओओपीएस कॉन्सेप्ट, और इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट एंड इट्स एडवांटेज से संबंधित टॉपिक क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक आपके पूछे जाएंगे, ये आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेने हैं। अब बात करते हैं, ये तो हो गया पेपर फर्स्ट, यानी स्टेज फर्स्ट हो गया। जब स्टेज सेकंड की अगर बात करें तो आपका एक क्वालिफिकेशन टाइपिंग टेस्ट रहेगा जिसमें स्पीड टेस्ट आपकी मापी जाएगी। हिंदी के लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा और इंग्लिश के लिए भी आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। तो ये आपकी टाइपिंग आपका टेस्ट है वो होगा, ये आपका क्वालिफाई नेचर का रहेगा। अब बात कर लेते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। सैलरी के बारे में अगर अपन बात करें तो सैलरी इसमें रहने वाली आपकी आरएसएम एसएसबी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट सैलरी के बारे में अगर अपन बात करें तो राजस्थान सूचना सहायक की सैलरी आपकी पे लेवल 8 आपको दिया जाएगा, जिसमें आपकी बेसिक सैलरी 26,300 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको दी जाने वाली है। तो आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाएगी, अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में राजस्थान में आरएसएम एसएसबी ने इंफॉर्मेशन असिस्टेंट भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन है वो जारी किया है। साथ में उन्होंने डिस्कस किया कि आरएसएम एसएसबी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आरएसएम एसएसबी सूचना सहायक का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आरएसएम एसएसबी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का सिलेबस क्या रहेगा, राजस्थान सूचना सहायक की आपकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में
RSMSSB इंफॉर्मेशन असिस्टेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में जितने भी आपके डाउट थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी है और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको इधर बेल आइकन दे रखा है उसको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।